ठीक है हमें बताना है उसकी लोएस्ट और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो एल को सुनाई देगी लिसनर जो है ठीक है वो रेस्ट पर है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द सर्कल ठीक है और फिर हमें बताना है कि जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है क्या वो कभी इक्वल होगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के ठीक है और हमें एक वेलोसिटी ऑफ साउंड की एक वैल्यू दे रखी है ठीक है तो हम देखते हैं इसमें जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो ओ बी ओ ए ओ ओ सी डी एडी सारे रेडियस है और इनकी वैल्यू क्या है टू मीटर्स ठीक है हमें दे रखा है ना टू मीटर्स ठीक है तो हमें दे रखा है आर इज इक्वल टू टू मीटर्स ओ मेगा इज इक्वल टू मतलब रेडियंस पर सेकेंड ठीक है उसके बाद दे रखा है हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड वी इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड एंड थर्टी मीटर्स पर सेकेंड ठीक है तो हम जैसे कि देख सकते हैं ये रोटेट कर रहा है अगर सर्कल अगर लिसनर बहुत दूर है तो जो बी है मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ अ सर्कल ये लिसनर से दूर जा रहा है ठीक है और जो डी है वो उसके पास आ रहा है ए ऊपर जा रहा है और सी नीचे जा रहा है ठीक है तो हम बोल सकते हैं कि जैसे कि सोर्स में मूवमेंट है कोई सोर्स मूव कर रहा है तो हम बोलेंगे कि यहाँ डॉपलर इफेक्ट इज ऑब्जर्व ठीक है डॉपलर इफेक्ट इज ऑब्जर्व ठीक है डॉक्टर इफेक्ट ऑब्जर्व होता है ठीक है अब इसमें डॉक्टर इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता था न्यू डैश ठीक है मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी प्लस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस इंटू न्यू ठीक है अब हम सब डिफाइन करते हैं अब हमारा न्यू डैश क्या है न्यू डैश हमारा अपरेंट फ्रीक्वेंसी ठीक है जो हमें लग रहा फ्रीक्वेंसी है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ठीक है ये है हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, जो है न्यू नॉट ठीक है उसके बाद हमारा वी ओ क्या है वी ओ है हमारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर ठीक है ऑब्जर्वर वी एस क्या है वी एस है हमारा वेलोसिटी ऑफ सोर्स ठीक है उसके बाद हमारा वी क्या है वी है हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड या वेव जी साउंड ही है ठीक है तो हम देखते हैं कि जो लिसनर है हमें बोला गया है क्या है लिसनर क्या है वो रेस्ट पर है ठीक है तो हम क्या बोलेंगे वी ओ है हमारा जीरो के इक्वल तो हमारा फार्मूला क्या हो गया हमारा फार्मूला हो गया न्यू डैश इज इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस वी एस न्यू ठीक है तो अब हम देखें हमें निकालना है वी एस ठीक है वेलोसिटी ऑफ सोर्स वेलोसिटी ऑफ सोर्स कैसे निकलेगा हमें ओमेगा और आर दे रखा है ठीक है ओमेगा क्या है हमारा? ओमेगा है हमारा 15 रेडियंस पर सेकेंड आर है हमारा 2 मीटर्स हमें रिलेशन पता है वी इज इक्वल टू ओमेगा वी क्या होगा हमारा v होगा हमारा 2 इन टू फिफ्टीन मीटर्स पर सेकेंड दिस इज इक्वल टू थर्टी मीटर्स पर सेकेंड ठीक है तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी वी एस की वैल्यू है थर्टी मीटर्स पर सेकेंड बट डायरेक्शन हर जगह अलग है हमें निकालना है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ठीक है वो कैसे निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी कब होगी जब सोर्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऑब्जर्वर की साइड जा रहा होगा वो कौन सा पॉइंट है यहाँ वो है डी ठीक है तो डी पे हमारी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी आएगी न्यू डैश इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड एंड थर्टी अपॉन 330 माइनस 30 इनटू ऑरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी ऑरिजिनल फ्रीक्वेंसी है 540 हर्ट्स ठीक है तो 540 ठीक है विच गिव्स आउट न्यू डैश इज इक्वल टू 330 अपॉन 300 इनटू 540 इज कैंसिल कैंसेल 00 कैंसिल 33 और 33 से ये 11 आ गया तो इस सम क्या बोल सकते हैं न्यू डैश इज इक्वल टू 594 हर्ट्स, ठीक है ठीके? ठीके? ये कौन सी वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू ठीक है मैक्स ठीक है ये मैक्सिमम वैल्यू है मिनिमम वैल्यू कब होगी जब सोर्स लिसनर से सीधा दूर जा रहा होगा वो कौन सा पॉइंट है वो है बी ठीक है उसकी वैल्यू क्या होगी वी मिनिमम सॉरी न्यू मिनिमम न्यू मिनिमम इज इक्वल टू 300 30 अपॉन 330 प्लस 30 इंटू फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी ठीक है तो इससे हम बोल सकते हैं न्यू डैश इज इक्वल टू थ्री थर्टी अपॉन थ्री सिक्सटी इन फाइव फोर्टी ठीक है जीरो जीरो कैंसिल हो गया थर्टी सिक्स थर्टी थ्री से इलेवन 12, 12, 54 फोर कैंसिल हो गया ये हो गया टू ये हो गया नाइन ठीक है अगर हम करेंगे तो इससे आंसर आएगा न्यू डैश इज इक्वल टू फोर फाइव ठीक है यह है न्यू मिनिमम ठीक है तो हम बोल सकते हैं कि हमारी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो थी हमारी एपरेंट वो है 495 हर्ट्ज हर्ट्स है ना और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी वो है हमारी 594 हर्ट्ज हर्ट्स ठीक है और हमें क्या बोला गया है हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछता है कैन अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एवर बी इक्वल टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी तो यस एट ए एंड एट सी अगर हम ए और सी पे देखेंगे तो हमारी जो वी एस होगी वेलोसिटी ऑफ सोर्स वो 90 डिग्री होगी है ना 90 डिग्री टू एल है ना तो उस केस में डॉपलर इफेक्ट नहीं होता ठीक है डॉपलर इफेक्ट इफेक्ट नॉट ऑब्जर्वड ठीक है तो एट ए एंड एट सी अप्रेंट फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थैंक यू क्लास एक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीड आईआईटी जी मेंस और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार स�